पश्चिम बंगाल में जो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह की जघन्य रेप के बाद हत्या करना, और अस्पताल प्रशासन हो चाहे लोकल प्रशासन हो, जिस तरह लापरवाही बरती है, उससे सारा देश आज उद्वेलित है। और उस उद्वेलित से उड़ीसा की हमारी बहनें, हमारी नारी शक्ति भी उद्वेलित है। उसी क्रम में उड़ीसा की बहनें जो समाज में लोगों को जागरूक करने का, उसके अधिकार और कर्तव्य बताने का काम कर रहे हैं, तो डेलीगेशन आज मिलकर उड़ीसा की जो शर्मनाक और जघन्य घटना हुई उसकी निंदा करते हुए उन्होंने एक स्मारक पत्र मुझे दिया। मैं स्मारक पत्र को पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल के पास ठोस कार्रवाई के लिए, ताकि जो भी जांच हो वो एक टाइम बाउंड के तहत उस अभियुक्त पर फास्ट ट्रैक के द्वारा 15 दिन के अंदर उस पर फैसला हो और सख्त से सख्त कानूनी के जो प्रावधान है उसकी तरह कार्रवाई हो, ताकि फिर किसी की हिम्मत इस तरह की ना हो। महिला को लोग यूनियन के ऊपर ऐसा हो रहा है सारा देश में, कुछ तो ज्यादा नहीं हो रहा है ऐसा इसको। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं जो प्राचीन काल से हम नारी शक्ति को पूजते आए हैं, नारी शक्ति को ही हम कभी माँ दुर्गा, कभी माँ काली, कभी माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं। और उस नारी शक्ति के साथ जिस तरह के कलकत्ता सहित देश के विभिन्न राज्यों में ये जो विभत्स रूप हम सबको देखने को मिल रहा है, वो निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है। ये किसी राजनीतिक विषय नहीं होनी चाहिए। पूरे देश को, इसमें सभी राजनीतिक दल को, सभी सामाजिक संगठन को इस पर चिंता करनी चाहिए कि हाल के एक दो वर्ष के अंदर जिस तरह की ये घटना घटित हो रही है, वो भारत जैसे देश के लिए अच्छी बात नहीं है।